अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हवावे हॉनर 9 लाइट मॉडल है इसका। तो अगर हम इसका दोस्तों बैक मॉडल देखते हैं, बैक मॉडल बनता है LLD-LD2 मॉडल बनता है इसका। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ये बैक डैमेज है, जिसको आज हम तब्दील करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको आपने रिमूव कैसे करना है और यहाँ पर नई बैक को आपने कैसे फिक्स करना है। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वसूल हो सके। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनमाई कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं इसको आपने रिमूव कैसे करना है और यहाँ पर इसकी आपने नई बैक जो है वो कैसे फिक्स करनी है। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से, पहले दोस्तों इसकी जो ये टूटी हुई बैक है आपने रिमूव कर लेनी है। तो यहाँ पर आपने बड़े ध्यान के साथ इसको रिमूव करना है, क्योंकि इसका यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर की केबल लगी हुई है, वो आपकी डैमेज ना हो। तो इस तरीके से आपने इसकी बैक को रिमूव कर लेना है। इस तरीके से तो बड़े आपने ध्यान के साथ काम करना है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो ग्लास के टूटे हुए टुकड़े हैं वो आपके हैंड को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए आपने बड़े आराम के साथ और बड़े ध्यान के साथ इसको रिमूव करना है। इस तरीके से तो ये हमारा जो टूटा हुआ ग्लास था वो रिमूव हो गया है। अब हम यहाँ पर इसकी जो ये गम टेप वगैरह लगी हुई है इसको हम रिमूव कर लेंगे। बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको क्लीन कर लेना है। इस तरीके से आपने इसको क्लीन करना है ताकि आपकी जो ये यहाँ पर गम और टेप लगी हुई है ये अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मसूल हो सके। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनमाई कर सकें। तो इसी तरह अगर आप हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का कोई भी आपका प्रॉब्लम है, वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ और इसकी यहाँ पर ये अच्छे तरीके से क्लीनिंग करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों, इसको हमने क्लीन कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसके गम पेस्ट करेंगे। इस तरीके से आपने इसके जो ये फ्रेम है इसमें आपने यहाँ पर गम फिक्स कर लेनी है। इस तरीके से आपने इसके चारों साइडों पर आपने गम लगा लेनी है। तो इस तरीके से आपने गम लगा लेनी है। अब आपने यहाँ पर नई बैग को फिक्स करना है।
तो ये हमारे पास इसकी नई बैक है, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से फिक्स कर देंगे। तो ये हमारी जो है नई बैक यहाँ पर फिक्स होगी। अब आपने 15-20 मिनट यहाँ पर स्टे करना है ताकि आपकी जो ये यहाँ पर गम लगी हुई है वो अच्छे तरीके से खुशक हो जाए। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया हॉनर 9 लाइट का, आपने बैक को कैसे रिमूव करना है टूटी हुई को, और आपने नई बैक यहाँ पर किस तरीके से आपने फ़िक्स करनी है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।